हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट किचन। आज हम एक बहुत ही अच्छा स्किन का रेमेडी लेकर आए हैं, ऑरेंज पील टोनर। ये बहुत ही हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। ये हमारे स्किन को ब्राइट करता है, ग्लो देता है, और साथ साथ ये जिनको रिंकल्स हो जाते हैं ये उसको भी टाइट करने में काफ़ी मदद करता है। और ये हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब हमें इसे दो बार यूज़ करना है, एक बार और सुबह और एक बार शाम, उतना अच्छा ये नेचुरल ग्लो हमको देगा। इसमें काफ़ी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे एज को काफ़ी कम दिखाते हैं अगर हम इसको अच्छा रेगुलर यूज़ करें तो। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद टोनर है स्किन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमें एक खाली टोपिया या बर्तन लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे पूरा एक 1 ग्लास ऑफ वाटर। कोई भी आप फिल्टर्ड वाटर लें या नॉर्मल वाटर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पानी साफ़ होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें 2 ऑरेंज के मैंने छिलके लिए हैं, इसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हमें गैस ऑन कर देना है। अब जब तक इसमें पानी में बॉयल आना स्टार्ट हुआ है, हमें इसे 1 से 2 बार हिला देना है। उसके बाद हमें एटलीस्ट इसे 10 मिनट्स के लिए बॉयल करना है, ताकि इसका जो विटामिन सी है वो पानी में एब्जॉर्व हो जाए अच्छे से। 10 मिनट्स हो गया है फ्रेंड, अब देखिए इतना ही इसमें पानी बचा है। इस समय हमें गैस बंद कर देना है और इसे अब हमें ठंडा करना है। कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे तक इसे हमें ठंडा करना है। लगभग 3 घंटे हो गए हैं, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे। अब जो इसमें जो एक्सट्रैक्ट बचा है, यही हमारा मेन जो टोनर होता है वो है। अब हमें क्या करना है, एक कोई बर्तन लेना है, कांच का ही ग्लास कटोरी लें आप या प्याला लें, उसमें हमें इसे अच्छे से छान लेना है। पूरा इसका जो पानी बचा हुआ है उसे अच्छे से हमें इसको ड्रेन कर लेना है। देखिए ये जो हमें मिल गया है, ये है हमारे फेस के लिए टोनर। अब मैं बताती हूँ आपको स्टोर कैसे करना है। ये 7 डेज हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स है। हमें इसे फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में। इसके लिए हमने एक खाली स्प्रे बॉटल लिया है, इसमें हम इसको डाल देंगे और इसमें हम इसको स्टोर करके बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। इसको मैं बताती हूँ हमें लगाना कैसे है। मैं अपने इसको फेस पे, जैसे इस तरह से मैं हाथों पे कर रही हूँ, उस तरह से हमें अपने फेस पे इसको लगाना है और हाथों से थोड़ा इसको इस तरह से फैला देना है। और इसको लगाने के 2 घंटे बाद हमें फेस धो लेना है। आप देखोगे काफ़ी नेचुरल ग्लो आ रहा है, आप काफ़ी यंग फील करोगे इसको लगाने के बाद। और जो सेकंड वे है, उसमें क्या करना है, हमें एक बाउल में जो ये हमारा टोनर है इसको एक कॉटन में डिप करना है और फेस पे लगा लेना है अच्छे तरीके से। दोनों वे से आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉटल से ही स्प्रे करना है इसको। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा ये रेमेडी, जो कि बहुत ही सस्ते में बन जाने वाला बिना किसी खर्च के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपना थम्सअप दिखाकर मुझे प्रोत्साहित करें, जिससे मैं नया वीडियोस जल्दी जल्दी डालूँ।